हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के। यहां पर एक्सेल का 2007 वर्जन ओपन कर रहा हूं। आपके पास जो भी वर्जन हो उस पर काम इसी तरीके से किया जा सकता है। अब टास्क हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। टास्क हमारा बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर एक हम डेट लिखने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेट, लिखना हमें यहाँ पर आकर के लिखना है। तो ये हमने लिख लिया। अब ये जब लिख लेंगे तो यहाँ पर होगा क्या, किस तरीके से चीजें होंगी उसको देखते हैं। करंट डेट के हिसाब से ये जो डेडलाइन दी गई है, इस डेडलाइन के हिसाब से टाइम टू फिनिश आना चाहिए, यानी कि करंट डेट पे ही ये फिनिश होना है। तो कितने दिन बचे हुए हैं फिनिश करने में टास्क को, वो बताना चाहिए ये। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे टूडे एक फंक्शन इस्तेमाल होता है, उसी को हम यूज कर लेंगे। तो ये टूडे आ गया और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इस डेट को। तो यहां से इस डेट को जब माइनस करेंगे ना, एंटर करेंगे, तो यहां पर देखिए यहां पर ये डेट आ रही है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, यहां से ड्रैग करना है। अब ड्रैग करेंगे तो सबका आ जाएगा। अब ये सबका आ गया है तो क्या करेंगे, अब यहां पर थोड़ा सा चेंजेस करना है। यहां पर राइट क्लिक करिएगा और राइट क्लिक करके यहां पर मिलेगा आपको फॉर्मेट सेल्स। बस इसी फॉर्मेट सेल्स पे हमें चलना है और हमें क्या करना है, इसे कस्टम बना लेना है। यहां पर देखिए नीचे कस्टम आ रहा है, तो ये कस्टम कर लेना है। और यहां पर जो भी आ रहा है ना, इसको हटा दीजिएगा। हटा करके क्या करना है, अब यहां पर समझने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर नहीं समझा तो पूरी सारी चीजें जो है, एक भी चीज समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर रेड कलर में आए, ठीक है, रेड कलर में आए, ज्यादा दिन बचा हो तो रेड कलर में आए। और यहां पर लगा दीजिएगा हैश, ठीक है, फॉर्मेट सेल्स में यहां पर लगा दीजिएगा हैश। उसकी डेज की बात है तो यहाँ डी ए वाई एस गैप देके एक बार आपको लिख देना है डेज। क्या लिखना है, डेज, इस तरीके से लिख दीजिएगा डेज, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, आगे लिख देते हैं ओवरड्यू, डेज ओवरड्यू, ओवरड्यू, ठीक है। ये लिख करके और यहाँ पे क्या करना है, इस डबल डॉट कॉमा को क्लोज करना है और यहां पर सेमी कॉलन लगाना है। सेमी कॉलन समझते हैं ना, ये सेमी कॉलन लगा दीजिएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रीन करते हैं, ग्रीन। अब यहाँ पे कलर चेंज है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट बना के और इसके अंदर क्या लिखेंगे, ग्रीन लिख दिया। फिर स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर यहाँ हैश लगा देंगे, हैश लगा दिया। फिर यहां पर क्या लिखेंगे, डेज, डी ए वाई एस, ठीक है, डेज। अब यहां पर देंगे लेफ्ट, एल ई एफ टी, डेज लेफ्ट, कितने दिन बचे हुए हैं वो चीज यहां पे आएगी। और फिर यहां पर क्या करना है, टर्मिनेशन देना है। टर्मिनेशन देने के बाद क्या करना है, जैसे टर्मिनेशन देते हैं तो टर्मिनेशन देने के बाद यहां पर एक बार फिर से वही फंक्शन हमें इस्तेमाल करना है, यानी टूडे वाला। तो डोमिनेटेड कॉमा में यहाँ पे टी ओ डी ए वाई, टूडे लिखते हैं, टूडे, और टुडे से ही ये पूरा कंपैरिजन चलेगा। तो ये करके और यहाँ से बस आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे रेड कलर में आ रहे हैं, 52 डेज ओवर ड्यू, 50 डेज ओवर ड्यू, जैसा जिसका नेचर वैसा जो है यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं 7 कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए 9 डेज टू लेफ्ट बता रहा है। आज डेट क्या है जरा देखिएगा, आज का डेट जो है यहाँ पे देख सकते हैं नीचे, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 22 जून है, तो उसके हिसाब से कितने दिन बचे हैं जो 1 तारीख आने में, तो वो यहाँ पे आ रहा है, देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे और चेंजेस करता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो हो गया, नीचे आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर 10 कर देता हूँ, यहाँ पे 10 कर दिया तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए ये 10 कर दिया तो यहाँ पे 103 दिन बचे, ठीक है। यहाँ पर अब कम करते हैं, जैसे 2024 था तो 2022 कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 2022 किया तो 841 दिन बचे, देख सकते हैं ना किस तरीके से ये चेंजेस हो रहे हैं। तो ये काफी कमाल का है और टुडे फंक्शन का ये काफी अच्छा यूज है। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आई होगी बात कि ये कैसे करना है आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।